हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब समय आ गया है कि हम चाइना को करारा जवाब दे सकते हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने आज चाइना के 59 मोबाइल ऐप्स, जो कि चाइना के टॉप सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, उनको बैन कर दिया है। यह इतना बड़ा स्टेप इंडिया चाइना बॉर्डर यानी LAC पे हो रहा है टेंशन के कारण लिया गया है, जिसमें चाइना के सबसे ज़्यादा चलने वाले टिकटॉक, UC ब्राउज़र, शेयरइट, लाइकी, UB वीडियो, क्लीन मास्टर एंड कैम स्कैनर मेन है। ये भारत की तरफ से चाइना पे बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक है। गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि यह डेटा सिक्योरिटी और 130 करोड़ इंडियन की सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। ये चाइनीज़ इन्हीं ऐप से पैसा कमाते हैं और इनको हमारे ही कंट्री के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि पैसा हम ही से लेते हैं और हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारी कंट्री के यूनिटी के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। अब हम सिर्फ इंडियन ऐप्स और इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे, ताकि जो भी पैसा हम इन ऐप्स को यूज़ करने में खर्च करते हैं या इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने में जो भी पैसा खर्च करते हैं, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इंडियन ऐप और इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमारे कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ये 59 ऐप्स कौन कौन से हैं जो कल से काम नहीं करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें मेन चाइनीज़ ऐप जो कल से काम नहीं करेंगे, उसमें सबसे पहले तो आता है टिकटॉक, शेयरइट, UC ब्राउज़र, बायडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, DU बैटरी, हेलो, लाइकी, MI कम्युनिटी, UCAM मेकअप, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, APUS ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, VChat, UC न्यूज़, जेंडर, QQ म्यूज़िक, QQ न्यूज़ फीड, बीको लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, वॉन्डर कैमरा, फोटो वॉन्डर, QQ प्लेयर, VMeet, स्वीट सेल्फी, यू वीडियो, VFly स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स एंड DU प्राइवेसी। तो ये सारे ऐप्स हैं मेन जो कल से हमारे फ़ोन में काम नहीं करेंगे। ये ऐप्स अचानक से हमारे फ़ोन से गायब नहीं हो जाएंगे, ये अभी हमारे फ़ोन में ही रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे इनसे जो चाइना जो डेटा एक्सेस कर पा रहा था, वो डेटा अब एक्सेस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देंगे। तो अब हम सिर्फ इंडियन ऐप्स ही यूज़ करेंगे और अपने कंट्री को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।